हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। यदि आपने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बना हुआ प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप उस वीडियो को देख ले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos B। यानी ऐसा दो एंगल बनाना है जिसमें cos A और cos B इक्वल है। तो यहाँ पर दो एंगल हम बना लेते हैं, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर ए पी क्यू एक राइट एंगल हो गया, दूसरा राइट एंगल बना लेते हैं, दूसरा राइट एंगल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी सी और डी। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी बी बाई एच। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए निकालेंगे तो ए एंगल ए है, तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये कर्ण होता है। तो नीचे वाला जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, यानी एपी हो जाएगा। तो एपी बाई लिखेंगे, और कर्ण यानी हाइपोटेनस फिक्स रहता है, तो एपी बाई क्या आ जाएगा दोस्तों, एपी बाई ए क्यू। तो यहाँ पर ले देंगे एपी बाई क्या आ गया, ए क्यू। इसी प्रकार से इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को देखिएगा, तो इस त्रिभुज में एंगल बी के सामने वाला जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो जो बच गया ये क्या हो गया, बीसी हो गया, बेस हो गया यानी बीसी बाई, और इसका कर्ण यानी हाइपोटेनस क्या हो गया, बीडी। तो यहाँ पर क्या ले देंगे, बीडी। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एपी लिख देंगे और बीसी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ए क्यू इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी ए क्यू बाई क्या आएगा, बी डी आएगा। और इसको लिख देंगे समीकरण क्या ले देंगे, एक समीकरण क्या ले देंगे, इसको समीकरण एक्स को इक्वल टू के मान लीजिए, और इसको लिख देंगे समीकरण क्या ले देंगे, एक। ध्यान से देखिए एक बार और समझ लीजिए कि एपी बाई बी ए क्यू इक्वल टू बीसी बाई बी डी था, तो यहाँ पर बीसी को जो है नीचे कर दी और ए क्यू को ऊपर कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक, तो यहाँ पर अगर एपी बाई बीसी निकालते हैं तो एपी बाई बीसी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर के इक्वल में लेट किया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको क्या किए हैं, लेट किए हैं। लेट यानी क्या हो गया, माना हो गया, और इसको मान लीजिए समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट यानी एक। तो इसको के बराबर, यानी यहाँ से अगर आप एपी का वैल्यू निकालते हैं तो एपी इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए क्यू बाई बी डी लिखते हैं तो ए क्यू बाई क्या जाएगा, बी डी, और इक्वल टू क्या जाएगा, के। यानी आप यहाँ से ए क्यू का वैल्यू क्या निकाल लीजिएगा, के इंटू में बी डी। अब देखिए कहिएगा एपी का क्या उपयोग है और ए क्यू का क्या उपयोग है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए एपी बाई ए क्यू, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप निकाल लेते हैं एपी बाई बी सी निकल गया, और जो है यहाँ पर क्या गया, एपी का वैल्यू के इंटू बी सी और ए क्यू का वैल्यू के इंटू क्या आ गया, बी डी आ गया। देखिए यहाँ पर निकालेंगे पी क्यू बाई सी डी, तो पी क्यू बाई सी डी निकालेंगे तो पी क्यू, ध्यान से आप समझ लीजिए कि ए पी क्यू एंगल में, राइट एंगल में, ट्राइंगल में क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू जो है लंब है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस में बेस स्क्वायर, यानी रूट अंडर हाइपोटेनस ए क्यू यानी कर्ण का वैल्यू ए क्यू तो ए क्यू का स्क्वायर, और माइनस में बेस यानी आधार का वैल्यू ए पी तो ए पी का स्क्वायर करेंगे, और इसकी बटा में सी डी। तो सी डी इस राइट एंगल ट्रेंगल का क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण यानी बी डी का स्क्वायर और माइनस में आधार यानी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर ए क्यू, तो ए क्यू का वैल्यू क्या निकाले हैं, के इंटू बी डी, तो इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे के इंटू बी डी और इसका स्क्वायर, और माइनस ए पी, तो ए पी का वैल्यू क्या निकला है, के इंटू बी सी।
तो यहाँ पर लिखेंगे के इंटू बी सी और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी बटा में रूट अंडर बी डी का स्क्वायर और माइनस में बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूट के का स्क्वायर कर देंगे तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर और इसके बटा में हो जाएगा बी डी का स्क्वायर और माइनस में बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं के स्क्वायर दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा यानी के स्क्वायर बाहर करेंगे तो बी डी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर और इसके बटा में हो जाएगा दोस्तों बी डी का स्क्वायर और माइनस में बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी बच गया रूट अंडर के का स्क्वायर और रूट अंडर के स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों स्मॉल के आ गया। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या आ गया यहाँ पर पी क्यू बाई सी डी का वैल्यू आ गया के, इसको मान लेंगे समीकरण दो यानी इक्वेशन सेकेंड आ गया दोस्तों। ये इक्वेशन फर्स्ट था ये इक्वेशन सेकेंड था। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए इसके आगे बताते हैं। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा यानी इसको हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से तो समीकरण एक और दो को देखिए यहाँ नहीं मिटाए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका ये था के इक्वल में और ये भी क्या है के इक्वल में यानी दोनों ये भी पूरा वैल्यू के इक्वल में है वो भी के इक्वल में है इसीलिए आप तीनों वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं यानी यहाँ पर लिख देंगे एपी तो एपी बाई क्या जाएगा बी सी इक्वल टू क्या जाएगा ए क्यू बाई बी डी इक्वल टू क्या जाएगा पी क्यू बाई सी डी। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा तीनों वैल्यू इक्वल कर दिए तो इस तरह से ये तीनों भुजा तीनों साइड दोनों एंगल का क्या हो गया समानुपाती प्रोपोर्शनल हो गया। ध्यान से देखिए यह एपी बाई बी सी इसके बाद जो है ए क्यू तो ए क्यू बाई क्या है बी डी उसके बाद क्या है पी क्यू बाई क्या है पी क्यू बाई सी डी है यानी इस तरह से आप कह सकते हैं एस 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 सिमिलरिटी से ये हो जाएगा फ्रॉम एस 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 तो इसका सिमिलरिटी से एंगल यानी त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। ध्यान से देखिए यानी जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजाओं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं यानी सिमिलर त्रिभुज होते हैं और सिमिलर जब त्रिभुज कोई होगा तो उसका एंगल भी क्या होते हैं समान होते हैं इसीलिए एंगल ए एंड एंगल बी इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में इसी को प्रूफ करना है तो आप वीडियो को दो बार देख लीजिए पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कुछ इस प्रकार है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ) एंड cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है दो वैल्यू निकालना है और इसी को इंग्लिश में लिख दिया इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ) और एंड cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 तो दोस्तों अगर इससे हम निकालते हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला का अप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर 1 + sin θ तो 1 + sin θ लिखेंगे 1 - में क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे और इसकी बटा में 1 + में क्या जाएगा कॉस थीटा और इंटू में क्या जाएगा 1 - में कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से a + b (a - b) का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यानी ए स्क्वायर होता है माइनस में बी स्क्वायर होता है तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी एक का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक का स्क्वायर कितना आ गया एक आ गया और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसके बटा में क्या आएगा दोस्तों 1 - cos²θ यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया 1 - sin²θ का फॉर्मूला होता है
को देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक दोस्तों फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7/8। तो 7/8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 49/84 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल निकालना है, दूसरा सवाल तो सुपर इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7/8। तो 7/8 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर यानी 49/64 इस सवाल का क्या जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।